नीतीश कुमार की सरकार में एक बड़ी बात है कि आज तक यह कोई नहीं कह सकता है कि किसी के साथ अपना और पराये की बात उन्होंने किया है। जो भी न्याय संगत काम किए हैं इन्होंने, अब मुझे पूरा भरोसा, पूरा बिहार के लोगों को विश्वास है कि न्याय उनको मिलेगा। ये और जो भी प्रशासन से चूक अगर हुआ है तो उसे भी सजा मिलेगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में जमीनी विवाद में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लगातार परिजनों से मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार और इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप पीड़ित परिजनों से आज मुलाकात किए हैं, किस रूप में आप उन्हें सांत्वना देना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुखद घटना है। घटना इस तरीके का घटना नहीं घटता है, लेकिन दोनों पारिवारिक संबंध है, दोनों को दादा जो हैं दोनों अपने भाई हैं, और इस तरीके की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं आपसी जो लोभ है ना, लोभ जमीन का विवाद था, और जमीन ऐसा चीज़ है कि एक भाई के नाम से, दादा का नाम से जो जमीन था दो भाई में, तो इनके परिवार वाला भी वो लोग लिखवा लिया, ये लोग का जो विवाद था, और उसी के चलते ये मेन घटना घटी है। अब कैसे इन लोग को न्याय मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बात करेंगे कि इनको न्याय मिलना चाहिए। घटना जो घटा है उसके लिए जो भी लोग दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, सजा मिलनी चाहिए, और ज़मीन में जो विवाद है उसके भी लिए न्यायिक जो प्रक्रिया है उनको न्याय मिलेगा। सर, आप नालंदा के सांसद हैं और नालंदा के ही हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो सुशासन के लिए बिहार में जाने जाते हैं, और उनके गृह जिले में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं सुशासन पे सवाल खड़ा करता है और विपक्ष भी लगातार नहीं आरोप लगा। ये बात सही है, घटना नहीं घटना चाहिए, लेकिन इस तरीके की घटना पारिवारिक कब्जे से पारिवारिक घटना है, ऐसा लोग नहीं करते हैं। ऐसा मानव जो होता है, हर मानव दयालु होता है, कोई भी मानव हो, जब जानवर दयालु होता है, जब देखते होंगे कि भैंस उस मारता झाड़ता ही नहीं है कि उस पर बार करता है, तो मानव कभी कभी मैंने होश को खो देता है, तब इस तरीके की घटना घटती है, और इस तरीके की घटना के हम निंदा करते हैं, घटना नहीं घटना चाहिए, और जो भी प्रशासन से चूक अगर हुआ है तो उसे भी सजा मिलेगा। न्याय दिलाने में किस तरह से आप लोग मदद? पूरा मदद नीतीश कुमार की सरकार में। एक बड़ी बात है कि आज तक यह कोई नहीं कह सकता है कि किसी के साथ अपना और पराये की बात उन्होंने किया है। जो भी न्याय संगत काम किए हैं इन्होंने, अब मुझे पूरा भरोसा, पूरा बिहार के लोगों को विश्वास है कि न्याय उनको मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार, और इन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में न्याय संगत काम हुई है और निश्चित तौर पे पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। दोस्तों, लगातार हम आपको लोदीपुर घटनाक्रम का ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।